Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल एज्यूम अबाउट यू, आपके नेचर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, कि क्या वो एज्यूम करते हैं। ये सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन को आप सेलिब्रेशन से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर टू है, फाइंड बैलेंस से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ आप कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपने सेलिब्रेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या आ रहा है। द सन, शुरुआत अच्छी हुई है, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स और स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ कप्स, लेटिंग गो, अलोननेस, हर्मिट का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है इंडिकेशन, टेम्पल्स का कार्ड आया है, सेजिटेरियस एनर्जी है। सिक्स ऑफ कप्स, ड्रीम, और नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजिनेट करना, लोग आपके बारे में ये एज्यूम करते हैं सबसे ज़्यादा कि आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो, मेस्मराइजिंग चार्मिंग पर्सन हो, गॉर्जियस पर्सन हो, और आप एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हो, सोचते पॉजिटिव हो, बोलते भी पॉजिटिव हो, किसी की बिचिंग नहीं कर रहे हो, किसी को जो है नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या इन सब चक्रों में पड़ते ही नहीं हो। बहुत ज़्यादा आपका डिसेंट या डिग्निफाइड जो है बिहेवियर होगा या नेचर आपका है, तो आपकी एक काफ़ी जैसे डिग्निफाइड पर्सनैलिटी वो देखते हैं कि आप जो है सड़क पर नहीं लड़ रहे हो। बेशक कोई लड़ रहा है या कोई ऐसा कह रहा है तो आप रिएक्शन भी दोगे, लेकिन उसके बावजूद जो है आप ट्राई करोगे कि डिग्निटी से काम बन जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन आजकल जो है वो लोगों को ये भाषा समझ नहीं आती है, तो फिर उनको उन्हीं की भाषा में समझाना भी आता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है, ये नहीं आता है, ये चीज़ है। तो लोग सबसे ज़्यादा आपके बारे में ये एज्यूम करते हैं कि आप एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, आप अपने ट्रेडिशंस को, पूर्वजों ने जो बनाई है रीति रिवाज, उनको महत्व देते हो, और ऐसा नहीं है कि मॉडर्निटी के नाम पे उनको जो है बिल्कुल ही हटा दिया है। हाँ, ये आपने ज़रूर किया है कि जो ऑर्थोडॉक्स चीज़ें थी, जैसे कि सती प्रथा थी, तो वो चीज़ ख़त्म हुई, और जो कि सही भी है। तो काफ़ी जो पेनफुल चीज़ें थी या कुरीतियाँ थी जो सही नहीं थी आपके लिए या आपके कम्युनिटी के लिए, उसको जो है आप नहीं मानते हो और बाकी सारी चीज़ों को जो है एक्सेप्ट करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि लोग आपको एज्यूम करते हैं कि आप अपनी लाइफ में डेस्टिनी को क्रिएट करते जाते हो। एक्शन ओरिएंटेशन तो है ही आपका, आप उस चीज़ को क्रिएट करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। तो लोग समझ पाते हैं कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप जो चाहते हो या समझदारी से चलते हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को क्रिएट करते जाते हो। आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो और आपको समझ आता है कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं बिज़नेस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, और कहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वो चीज़ आपको समझ आती है और आप बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को टैकल कर पाते हो। तो लोग आपके बारे में ये चीज़ एज्यूम करते हैं, आपने अपना बिल्ड किया होगा एम्पायर या बिज़नेस, या जो भी आपकी एज हो, बेशक आपको इनहेरिटेंस में ही वो बिज़नेस मिला हो, लेकिन जैसे कि हो गया कि टाटा ग्रुप था, ठीक है, तो टाटा ग्रुप है अभी भी, तो वो जो है 5 जनरेशन से चला आ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि 5 जनरेशन अभी तक ज़िंदा ही हैं, तो सबने जिसको भी हैंडओवर किया गया है तो वो उसको बढ़ोतरी दे रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है और लोग आपके बारे में ये एज्यूम करते हैं। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात कर पाते होंगे, हाथ मिला पाते होंगे, जो भी आपका जेंडर हो। ये नहीं कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप डर रही हैं या कॉन्फिडेंस नहीं है या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है और आप जो है आगे बढ़ते जाना ज़्यादा पसंद करते हो। तो ऐसी एनर्जी है। आपने लोग आपकी सोशल मीडिया को देख के, हालांकि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन जो भी छोटा मोटा आप कभी कभी डाल देते होंगे, तो उसमें जो है स्पेसिफिकली आप किसी ठंडे इलाके में गए होंगे, चाहे वो फॉरेन कंट्री का हो चाहे वो अपनी ही कंट्री का क्यों ना हो। तो जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, और इस तरीके की जगहें हो गई, तो वो जो है आपने वहाँ पे क्या बोलते हो उसे, एडवेंचरस चीज़ें जो थी वो चीज़ देखी या खेली, वो चीज़ रही होगी, तो उस चीज़ का जो है एज्यूम करते होंगे लोग कि आप बहुत अमीर हो या फिर आप बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो।
हैप्पीनेस आपके अंदर आती है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है, लियो एनर्जी है कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हो और आपको जो है समझ आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन हो आप, और आपको मालूम है कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। आपको जो है मशरूम्स खाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, या आप जो है हेल्दी ईटिंग करना पसंद करते होगे, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। लोग आपके बारे में एज्यूम करते हैं कि आप जो है जो पुराने लोग हैं या गलत लोग हैं उनको जो है आप पीछे छोड़ देना पसंद करते हो। आप जो है वो अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से आगे जो है वो लेकर जाना पसंद करते हो, लेकिन ऐसे लोग जो जिन्होंने आपको अकेलापन फील करवाया हो या फिर जो है कभी ऐसी चीज़ करी हो कि जिससे आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो वो चीज़ जो है आप पीछे छोड़ देते हो, या ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ देते हो। हर्मिट की एनर्जी आई है, आप जो है काफ़ी आइसोलेशन में रहते होंगे, हर इंसान को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते हो, ना ही जो है आप ये चाह रहे हो कि कोई और जो है वो आपके बारे में सीखे, या फिर जो है बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आए या पर्सनल रिलेशनशिप में आए, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम तो आपने क्रिएट किया है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि सक्सेस की सीढ़ी जो है वो हमेशा अकेलापन लेकर आती है, तो वो चीज़ है। क्योंकि आपने ये देखा कि जैसे जैसे आप सक्सेस क्रिएट करते जाते हैं, लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, वैसे वैसे जो है आपसे जलन करने वाले भी जो है क्रिएट होते जा रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो आपकी जो यिंग यांग वैली बैलेंस की जो है एनर्जी यहाँ पे रहती है, आप में एक फायर एलिमेंट भी है और वाटर एलिमेंट भी है। अब ये आपके ऊपर है या सिचुएशन के ऊपर है कि आप जो है वो किस चीज़ को आगे बढ़ाना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, अगर ड्रीम आया है और एस ऑफ सॉर्ड्स भी है। कि आप जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना या आगे बढ़ना पसंद करते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो लविंग रिलेशनशिप्स हैं किसी भी तरीके का, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, तो लोग आपके बारे में ये एज्यूम करते हैं। आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी हो सकती है या सोफिस्टिकेटेड हो सकती है, आप जो है वो ऐसे कपड़े नहीं पहनना पसंद करते जो ट्रेंड में तो आ गए लेकिन आपके लिए अच्छे नहीं है, और आप स्पिरिचुअल पर्सन हो या मेडिटेशन करना पसंद करते हो, या आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में अकल्ट साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि रखते होंगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कि ये लोग आपके बारे में क्या एज्यूम करते हैं। तो पहला आ रहा है एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो चीज़ आप चेंज नहीं कर सकते हो समय के अनुसार, आप उसको वैसे ही छोड़ देते हो, आप ऐसे लोगों के पास नहीं जाना पसंद करते हो जो आपके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज़ टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप ह्यूमर को चूज़ करते हो कि, और आपके घर में लाफिंग बुद्धा होंगे, या जैसे कार का डैशबोर्ड होता है तो वहाँ पे तीन पांडा रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, तो हो सकता है कि आपको लाफिंग बुद्धा पसंद हो, या फिर जो है आपने कुछ जैसे फेंग शुई का हो गया, वास्तु हो गया, इन सब चीज़ों को मानते हो और आप उसके अकॉर्डिंग चलते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रेशियस टाइम, द फेरी ऑफ टाइम वॉन्ट्स यू टू एक्सपीरियंस एवरी मोमेंट फुली एंड टू मेक द मोस्ट ऑफ योर प्रेशियस टाइम, बी माइंडफुल नॉट टू वेस्ट अदर्स टाइम ईदर। लोग एज्यूम करते हैं कि आपके लिए टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, और आप उस चीज़ को सही तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो, प्लस जो है लोग ये एज्यूम कर पाते हैं कि आप अपने टाइम को उन्हीं लोगों को देना पसंद करते हो जो आपके टाइम के लायक हैं या डिज़र्व करते हैं। आप पढ़ाई करना, एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, अकल्ट साइंस पढ़ना, मेडिटेशन करना, घड़ियाँ इकट्ठी करना, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जैसे हो गई, जैसे आप कहीं और गए तो वहाँ पे कई स्पेसिफिक जैसे ट्रेडिशनल चीज़ें होती है, या मैग्नेट्स हो गए, उन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करते हो। और लास्ट में आ रहा है आपके लिए सेलिब्रेशन, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि लोग आपके बारे में एज्यूम करते हैं कि आप पार्टीज़ करना पसंद करते हो, पार्टीज़ में जाना भी पसंद करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को दोस्त मानोगे या अपनी पर्सनल लाइफ में जो है वो इंक्लूड कर लोगे। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू द डांस एंड प्ले एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि आप अपना सेलिब्रेट करते हो, आप जो है वो उसके लिए अच्छे से तैयार करते हो, सबको अच्छे तरीके से जो है मेहमान नवाजी बनाते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप क्लोजनेस तक जो है वो नहीं पहुंचने देते हो, तो काफ़ी प्राइवेट पर्सन आप होंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। प्रॉस्पेरिटी,
तो आप काफ़ी प्रॉस्पेरिटी रखते हो या फिर जो है पैसा हो गया, बाकी सब चीज़ें हो गई, उसको क्रिएट करते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्लीन अप, हेल्दी रिलेशनशिप इज़ अ चॉइस। यहाँ पे ये चीज़ है कि आप हेल्दी रिलेशनशिप को एक चॉइस की तरीके से देखते हो। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ईगो बैटल में जो है आप नहीं पढ़ते हो, और अगर कोई ईगो दिखाता है तो फिर उसका जवाब जो है वो उससे भी बढ़ चढ़ कर देना पसंद करते हो। और लास्ट में आ रहा है इट्स टाइम टू प्ले। आपको ऐसा लगता है या लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ में टाइम को अच्छे से व्यतीत करने आए हो, खुशियों को क्रिएट करने आए हो, ना कि आप रोते रहते हो हर चीज़ के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे कार और होम जो है वो स्टेबिलिटी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। टॉरस एनर्जी हो सकती है, न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है या ऑलरेडी हो चुका होगा। हीलिंग आ रही है, यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए कि आपके लिए किस तरीके का गाना आ रहा है। एक तारा वेकअप सिड का, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। और नेक्स्ट आ रहा है तेरे बिना सलमान अली का, तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं लोग, या इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए लोग फील करते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने फाइंड बैलेंस को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या एज्यूम। कार्ड आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे दो दफ़े किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, अवंडेंस का कार्ड आया है। तो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आपसे एज्यूम करते हैं कि आप पैसे में रिच हो, या आपको पैसा बनाना आता है, इन्वेस्ट करना आता है। आप जो है किसी भी कह सकते हैं बेटिंग ऐप में या किसी और चीज़ में जो है इन्वॉल्व नहीं होते होंगे, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है वो अपनी लाइफ में वो सब कर पा रहे हो जो लोग करना चाहते हैं। तो लोग कुछ हद तक जेलसी भी फील करते होंगे। लोग एज्यूम करते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हो, या अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव रखते हो, प्राइवेट रखते हो, जो कि रखना भी चाहिए। लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप हर चीज़ का सामना अपने आप से करना पसंद करते हो। आप ऐसे इंसान नहीं हो कि दूसरे को कहोगे देखो मुझे बताओ कि मैं क्या डिसीजन लूँ। आपका डिसीजन जो भी होता है, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, वो आपका अपना है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप इस चीज़ को समझ पाते हो। जैसे मान लीजिए घर लेने का है आप तो आपका घर लेने का डिसीजन है, तो आपको जो है वो सन फेसिंग चाहिए, या आपको 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए। आप अपार्टमेंट ले रहे हो, या इंडिपेंडेंट जगह ले रहे हो, या सिटी से थोड़ा दूर जाके ले रहे हो, ये आपका अपना डिसीजन होगा। आप किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहते हो, आपका ऐसा नेचर होगा। लोग एज्यूम करते हैं कि आपको सफाई का, हाइजीन का बहुत ज़्यादा शौक होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये मतलब नहीं काम करना चाहते, आलस वाले होते हैं, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। आपका नीट एंड क्लीन काम होना, आप जो है वो ये महसूस कर पाते हो कि सब कुछ जो है आप क्रिएट कर पाओ, ऐसी एनर्जी भी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि आप में एक एक्साइटमेंट है लाइफ को लेकर, जीने को लेकर। आप अपनी गाड़ी जब ड्राइव करते हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, तो न्यू एनर्जी के साथ आप रोज़ जाते हो। ये नहीं कि हाय सारे दिन से जो है मैं थका हुआ चल रहा हूँ। होता है, थकान होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। काम करने के बावजूद उतने पैसे नहीं मिल पाते हैं जितने आप मेहनत करते हो, सभी के लिए ये है। लेकिन उसके बावजूद आपके अंदर एनर्जी होती है, तो आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो या खुश मिजाज हो। जो आप कर सकते हो अपने फ्रंट पे, वो आप ज़रूर करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी है। यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कॉइंस है, किंग ऑफ कप्स है। आपके इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्व्ड है, प्राइवेट है, लेकिन जिन लोगों के लिए है उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। आप जो है वो काफ़ी हद तक
अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, आपको ये चीज़ की एनर्जी है कि आप अपने पैसे को हर तरीके से इन्वेस्ट करते हो, आपको मालूम है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो चीज़ जो है वो आप आगे बढ़ते जाते हो इस तरीके से। जैसे छोटा सा पेड़ आपने लगाया तो छोटी सी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन समय के अनुसार जो है वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया, तो एक इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आपको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा या भजन का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा तो लोग जो है आपके बारे में ये भी एज्यूम करते हैं। आप रिस्क लेने से जो है वो डरते नहीं होंगे, या आपको जो है पहाड़ी इलाके पे घूमना, अब आप किसी भी एरिया में रहते हो अगर वहाँ पे आसपास माउंटेन्स रीजन है तो आप जो है वहाँ पे मूड को चेंज करने के लिए जाते होगे। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो और पंजाब साइड रहते हो तो शिमला कसौली ऐसी जगह पे होंगे। अगर आप जो है वो राजस्थान में जाते हो तो माउंट आबू हो गया, और अगर आप महाराष्ट्र में हो तो लोनावला हो गया, बाकी जगह हो गई। अगर नॉर्थ ईस्ट है तो वैसी चीज़ होगी, गारो खासी हिल्स हो गई, और अगर आप साउथ में या आंध्रा में रह रहे हो तो वहाँ पे दूसरी माउंटेन्स है, तो आप वहाँ पे रहना पसंद करते हो या घूमने जाना पसंद करते हो। यहाँ पे लोग जो है वो ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि आपके अंदर जो है प्यार देने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो डिज़र्व करता है आप उसी को देते हो, क्योंकि आपने ये समझा होगा या आपका एक लाइफ लेसन रहा होगा कि हर इंसान जो है वो आपके प्यार को डिज़र्व नहीं करता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। थोड़ा सा नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपका रहा होगा। आपको कुकिंग का शौक़ होगा या कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उसको इकट्ठा करने का शौक़ होगा, या उसकी रिगार्डिंग क्रॉकरी की दुकान होगी या बर्तन की दुकान भी हो सकती है, या आप उस चीज़ को बनाने में जैसे स्टील वेयर हो गए, स्टेनलेस स्टील हो गई, कुकिंग वेयर जो होते हैं जितने भी होते हैं बर्तन होते हैं खाने के पकाने के, उसकी फैक्ट्री भी डालना चाहते होंगे, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है तो आपने शुरुआत तो एक दुकान से की होगी बट अब जो है आप एक उसको एक फैक्ट्री में कन्वर्ट कर चुके हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। तो सोर्स आया है, कंप्लीशन आया, अबंडेंस आया। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ क्रिएट कर रहे हो, उसके लिए एक्शन ले रहे हो। और जैसे सूर्य होता है, सूर्य जो है हमें लाइट देता है, वॉर्म्थ देता है, अगर वो ना दे तो हमारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सब लोग जम के मर जाएंगे, मतलब आइस एज हो जाएगी और सब मर जाएंगे। तो वही चीज़ है, आप अपनी लाइफ में, लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो है एक सूर्य की तरीके से हो कि सब कुछ आपने संभाल रखा है, तो आपके पास जो है वो लाइट देने को भी है लेकिन उस चीज़ को जो है ख़त्म भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ रहा वर्ल्ड का कार्ड आया, तो आपने अपनी लाइफ में काफ़ी सारी कंप्लीशन को देखा होगा, आपने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा काम किया होगा और उससे जो है काफ़ी लाइफ लेसन्स को सीखा होगा, और आपको समझ आया होगा कि इल्यूजन में और सच्चाई में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, अबंडेंस का कार्ड आया है, तो आपने पैसे को पैसे से बढ़ाया है। जैसे मैंने कहा कि एक दुकान से जो है आपने एक फैक्ट्री तक पहुँचे हो, तो वो जो है एक कमेंडेबल जॉब है, या लोग आपको एज्यूम करते हैं कि आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप ये सब कर पाओ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए। पहला आ रहा है ग्रैटिट्यूड, आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट इट प्रेजेंट। तो आप में ग्रैटिट्यूड है कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो ईश्वर की कृपा से कर रहे हो, बेशक आप मेहनत कर रहे हो लेकिन कृपा तो है ही, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रोथ, आपने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी है और आप आगे भी ग्रोथ देखना चाहोगे, और लोग भी एज्यूम करते हैं कि आपके पास वो सारा पोटेंशियल है कि आप ग्रोथ क्रिएट कर पाओ। आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस माई अवेयरनेस। नेक्स्ट आ रहा है फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क रेस्ट प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी हार्मोनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ, टेक अ पावर नैप। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि आप बैलेंस क्रिएट कर रहे हो वर्क में, रेस्ट में, खेलने में, कूदने में, और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, आप धार्मिक किताबें पढ़ रहे हो या स्पेसिफिक चीज़ें जो धर्म से रिलेटेड होती हैं वो सब चीज़ें कर रहे हो। लास्ट में आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन, The fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो और लोग एज्यूम आपके लिए यही करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चांस आपके लिए। आपके लिए आया न्यू लव आ रहा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में जो है आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सक्सेस है, तो सक्सेस आने से पहले अपनी नियत पे भी सवाल करना
कि अगर आप पॉजिटिव नीयत के साथ प्रॉफिट लो, प्रॉफिट लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर नीयत ख़राब करोगे तो आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर आप नीयत सही रखोगे तो आपको वैसा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जीना जीना बदलापुर का है, और नेक्स्ट आ रहा है चांदनी परंपरा ठाकुर ने गाया है। तो देख लेना इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे या इसी तरीके से लोग आपके बारे में एज्यूम करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।